राजस्थान के बारा छिपा अपडौत उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में संचालित राजस्थान की प्रथम एवं विशिष्ट पहचान रखने वाली लहसुन मंडी में नहीं है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लहसुन मंडी में लहसुन बेचने आए ढोलम के किसान का ट्रैक्टर के अज्ञात चोरों द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टरों के बीच खड़े लहसुन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पार्ट्स निकाल लिए गए। ढोलम निवासी कृष्ण कुमारी पुत्र रामगोपाल धाकड़ ने बताया कि मंगलवार को सुबह 6 बजे लहसुन मंडी में लहसुन बेचने के लिए आए थे, लेकिन मंगलवार को यहां की मंडी में अवकाश रहता है, लेकिन फिर भी हम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लहसुन मंडी में रहे। उसके बाद जैसे ही खाना खाने घर गए और बुधवार सुबह 6 बजे जब लहसुन मंडी में आकर देखा तो उनके ट्रैक्टर से ट्रॉली उठाने वाली पटरी, ड्राइवाल, बैक लाइट, ड्राइवर सीट पीछे वाली ट्रैक्टर से गायब मिली। कुलदीप सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज। आज हमें छिपा अपडौत की जो राजस्थान की प्रथम एवं विशिष्ट लहसुन मंडी की पहचान रखने वाली है, जहाँ पे लहसुन मंडी को तो पहचान प्रथम का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे किसानों को आए दिन कहीं ना कहीं घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। आज हमारे साथ है डोलम का एक किसान जो अभी कुछ ही दिन पहले नया ट्रैक्टर खरीद के लाया था, जो यहाँ पे चोरों द्वारा एक तो ये सीट और कुछ पीछे के सामान खोल लिए गए हैं, और ऐसे में यहाँ पे किसानों का और किसानों के जो वाहन है इनका बिल्कुल भी यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। तो सरकार से इनकी क्या गुजारिश है और क्या इनकी जो भावना है? हमारे ये ट्रैक्टर के भी चोरी हो गई, रात हम दिनभर यहाँ रहे। क्या क्या चीजें चोरी हुई है? एक तो सीट ले गए खोल के, साथ पानी की बैग लाइट खोल ले गए और ड्रीवाल खोल ले गए। तो इसको लेके आपने मंडी प्रशासन से? प्रशासन से है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहे करो, अरे रात के 10 बजे तक यहाँ रहे, फिर अब कहाँ से रहे, आखिर रात खाना खाने गए जिसके बाद से कोई यहाँ पे सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम या कुछ भी नहीं है सर। ये लाइट अभी नहीं, ये भी नहीं लग रहा है, उसमें कैमरा भी लग रहा है, कैमरा भी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।